ओके, तो ये हमारे पास क्यूसी टेस्ट बायो के एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। इनमें हमारे पास इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, ओके, क्रोमोसोम एंड डीएनए वाला चैप्टर है, इसमें हमारे पास एवोल्यूशन वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि द मेंडल पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन वाज पब्लिश इन, तो ये 1866 में पब्लिश किया गया था हमारे पास, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। मेंडल केयरफुली एनालाइज सेवन पेयर ऑफ कैरेक्टर इन एक्सपेरिमेंट प्लांट, तो वो पीसम सेटिवम था हमारे पास, पी प्लांट था, ठीक है। ज़्यादातर बायो में हमारे पास जो ईटे है ना वो की पी बुक लाइन थी, मैक्सिमम हमसे यूज हमारे पास की पी बुक लाइन से लिए गए हैं। फिर है मेंडल ऑब्जर्व दैट द रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर इन F2 ऑफस्प्रिंग इज इन एवरेज रेशियो, तो वो हमारे पास 3:1 में था, हमारे पास 3 डोमिनेंट थे और 1 हमारे पास क्या था, रिसेसिव था। व्हेन अ रेड फ्लावर इज क्रॉस विद व्हाइट इट प्रोड्यूस पिंक, तो ये हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंट से, ABO ब्लड ग्रुप की पी बुक में लिया गया, किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टीयर ने। यूनिवर्सल डोनर हमारे पास O है। द इंटरनेशनल मेजर सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अप टू 30 ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। द RH ब्लड ग्रुप सिस्टम करंटली, वैसे गूगल वगैरह में देखो तो 60 है, बट केपी बुक में हमारे पास 50 लिखा गया है। द कॉमनली यूज टर्म RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव, तो वो डी। इन सेक्रेटर द ABO ब्लड टाइप एंटीजन आर फाउंड इन RBC में, सलाइवा यूरिन सारों में पाया जाता है, केपी बुक में लिखा हुआ है। अ गैमीट विदाउट एनी सेक्स क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड नल गैमीट हमारे पास कहलाता है, ठीक है। द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पैटर्न इन बर्ड्स बटरफ्लाई, तो ये दोनों हमारे पास मौजूद होते हैं उसमें, XY XX और WZZ। अच्छा, जंग DNA यूजलेस सीक्वेंस ऑफ DNA इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम पार्ट दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट, अ क्रोमोसोम इन विच सेंट्रोमियर इज लोकेटेड नियर द एंड, वो एक्रोसेंट्रिक हमारे पास कहलाता है, ठीक है। एंड एवरेज ह्यूमन, तो ये भी हमारे पास कीपी बुक में लिखा गया है कि एंड अप्रोक्सीमेटली हैव अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। DNA इज नेगेटिव रिचार्ज, किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। फिर है द रीजन ऑफ जीन इंफॉर्मेशन फॉर अ पार्टिकुलर प्रॉपर्टी और फंक्शनल RNA, तो वो हमारे पास स्ट्रक्चरल रीजन कहलाता है, ठीक है। द फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल रीजन ऑफ अ जीन एग्जॉन कहलाता है हमारे पास। ग्रुप ऑफ जीन हैविंग नो इंट्रॉन एंड एग्जॉन, ये प्रोक्रियाट्स में नहीं होता है ना, और वो हमारे पास ओपरॉन कहलाता है। मैथ्यू मेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल इन 1958 कंफर्म दैट द रेप्लिकेशन ऑफ DNA अकर अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, द इनिशिएशन फेज इन अ DNA इज रेप्लिकेशन करेक्टराइज बाई द रेप्लिकेशन फॉक्स या रेप्लिकेशन बबल, ये दोनों हमारे पास बनते हैं, सो बोथ ए एंड बी। द स्पायरल लैडर लाइक DNA इज कन्वर्टेड इन टू अ स्ट्रेट लैडर फॉर्म बाई एन एंजाइम DNA गायरेज, शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ फ्यू न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड प्राइमर हमारे पास कहलाते हैं, ठीक है। स्टार्ट कोडॉन फॉर अमीनो एसिड इज AUG, वेल स्टॉप कोडॉन, ये तीनों हमारे पास स्टॉप कोडॉन है। डीनोवो म्यूटेशन इज एक्चुअली अ न्यू म्यूटेशन, ठीक है, इट्स अ बुक लाइन। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी, वेल क्लेफ सिंड्रोम वो भी हमारे पास ट्राइसोमी की एग्जांपल है, ठीक है। अ म्यूटेशन दैट कॉज चेंज ऑफ अ सिंगल और फ्यू न्यूक्लियोटाइड पॉइंट म्यूटेशन, फर्स्ट रिकॉर्डेड दैट द यूकेरियोट अपीयर्ड ऑन प्लेनेट अर्थ, तो 1.5 से 2 मिलियन ईयर अगो। एंडोसिम्बियोसिस क्या शो करते हैं, वो शो करते हैं कि यूक्रियाट हमारे पास प्रोक्रियाट से आए हैं। फिलोसफिक जूलॉजी वाज अ पेपर पब्लिश इन 1809 बाय लमार्क। ऑरिजन ऑफ स्पीशी बाई नेचुरल सिलेक्शन वाज अ पेपर पब्लिश बाई 1859 बाई डार्विन ने दिया था। एवोल्यूशनरी प्रोसेस by which biological species arise, speciation, life originated under 3.5 billion year ago. Speciation occur when population of species that share the same habitat but reproductively isolated, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, that is a sympatric speciation, ठीक है। Speciation occur when population are separated not by geography but extreme change, तो वो parapatric separation हम speciation हमारे पास कहलाता है, ठीक है। नो अच्छा, द स्टडी ऑफ गेटिंग ओल्ड आर एजिंग इज कॉल्ड ग्रंटोलॉजी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स, वो हमारे पास डेवलपमेंट कहलाता है। द सिक्स क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ लाइफ आर हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस एंड सल्फर, अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ मिसकरेज आर ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से हमारे पास होते हैं, ठीक है। द जीन विच इज इन्वॉल्व टू इनकोड द एंजाइम थायरोसिन, तो वो जीन भी है हमारे पास, इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में की भी बुक लाइन में लिखा गया है। इन ह्यूमन द अमाउंट ऑफ मेलानिन, तो
सेवन होते हैं हमारे पास, ठीक है, सेवन स्किन। क्रोमोसोम और फर्स्ट ऑब्जर्व बाय वेल्टर फ्लेमिंग इन 1882 बाय एग्जामिनिंग द रैपिडली डिवाइडेड सेल ऑफ सेलमंडर लार्वा, द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड मेच्योरेशन ऑफ प्राइमरी मैसेंजर आरएनए टू सेकेंडरी, तो वो आरएनए स्प्लाइसिंग कहलाता है। सिग्मा फैक्टर इज कंपोनेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, वन एंड ऑफ टीआरएनए मैचेस जेनेटिक कोड इन थ्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट इज कॉल्ड एंटीकोडन। फिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअली व्हेन क्रॉसेस विद होमोजाइगस रिसेसिव, तो इस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर विद जेनेटिक मेकअप ऑफ, तो वो हमारे पास ट्रांसडक्शन कहलाता है, ठीक है। इफ अ हाइब्रिड एक्सप्रेस अ करेक्टर, तो वो डोमिनेंट होता है हमारे पास। अ प्लांट हैविंग द जीनोटाइप ए ए बी बी सी सी विल प्रोड्यूस डैश काइंड ऑफ गैम, इसमें हेट्रो कितना, एक हेट्रो है ना, तो 2 की पावर 1, तो वो हमारे पास 2 ही बनेगा, तो डी ऑप्शन। कलर ब्राइटनेस, वो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम के डिजीज हैं। इन मोस्ट स्पीशी माइटोकॉन्ड्रिया यानी स्पास फ्रॉम ओव्यूम यानी मदर, डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रेट हुज फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय मोर देन वन जीन, तो वो पॉलीजेनिक ट्रेट कहलाता है। एन इंडिविजुअल इज अ कलेक्शन ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोटाइप, अ मैन मैरी अ वूमेन बट डू नॉट शो एनी अपेरेंट ट्रेट ऑफ इनहेरिटेड, 5 son and 2 daughter आर बोर्न एंड 3 of their son सफर। अच्छा, कह रहे 3 बीमार हुए हैं जबकि कुछ हमारे डॉटर नहीं हुए, तो अब देखो ना, जब 3 बीमार हुए हैं सारे नहीं हुए तो डोमिनेंट तो हमारे पास नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास फिर क्या है, सेक्स लिंक रिसेसिव है, ठीक है। अ ट्रेट दैट ओवर पावर हाइड अनदर ट्रेट, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाता है हमारे पास। हेमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड है, ठीक है। द फोर्स दैट इनिशिएट एवोल्यूशन वेरिएशन, डैश इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स हमारे पास। विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाई लमार्किज्म, सो ऑल ऑफ दम, हाउ गिराफा गार्ड देयर लंग, हाउ वुमेन लॉस्ट देयर टेल, क्योंकि वो कह रहे थे जो यूज होंगे वो स्ट्रांग होंगे, जो यूज नहीं होंगे वो खत्म होते जाएंगे। डैश वॉज कंसिडर्ड एज अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, तो आर्कियोफेटेरिक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, सो विंग्स ऑफ, ये हमारे पास इंसेक्ट है, ठीक है, और वो बर्ड्स हैं, बट फंक्शन दोनों का सेम है। द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए, द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ, सो एवोल्यूशन। कार्लस लिनियस वाज द बिहेवियर ऑफ, वाज द बिलीवर ऑफ, वो हमारे पास स्पेशल क्रिएशन का बिलीवर था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लमार्क थ्योरी, बोथ ए एंड बी यूज डिस्यूज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, दोनों थे। हु डिवेल्प अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियल टू डार्विन, तो अल्फ्रेड वेलेस ने की थी। न्यू डार्विनिज्म हैज इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड आइडियाज फ्रॉम, तो टेक्सोनॉमी पैलेंटोलॉजी जेनेटिकली जेनेटिक्स ऑल ऑफ दीज, इन सारों से इसने ली थी। ओके, सो ये हमारे पास क्यूसीए टेस्ट के एमसीक्यूज थे, इनकी डिस्कशन खत्म होती है।